नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर को आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों तथा एनडीए सहयोगियों की उपस्थिति में धनखड़ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। धनखड़ का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार 80 वर्षीय मार्गरेट अलवा से होगा। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना बेहद प्रबल है, क्योंकि उन्हें निर्वाचक मंडल के 390 मतों की जरूरत है, जबकि अकेले बीजेपी के संसद के दोनों सदनों में 394 सांसद हैं। जगदीप धनखड़ को एनडीए के घटक दलों के साथ ही आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल तथा तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक का भी समर्थन मिल गया है, जिससे उनकी राह और आसान हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आगामी 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। इस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं। जगदीप धनखड़ अगर निर्वाचित होते हैं तो इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले वह राजस्थान के दूसरे नेता होंगे। राजस्थान से इससे पहले भैरव सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2002 से जुलाई 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था। हम आपको बता दें कि धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के हैं। भैरव सिंह शेखावत भी उसी शेखावाटी क्षेत्र से थे, जिसमें सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के इलाके शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका से पहले 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एक दूसरे के मुकाबले में खड़े जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच भी कई समानताएँ हैं। दोनों नेता राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दोनों की पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी रही है। धनखड़ और अलवा ने कानून की पढ़ाई की है और दोनों का राजस्थान से भी नाता रहा है। धनखड़ राजस्थान के मूल निवासी हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार अलवा राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले जनता दल और कांग्रेस में रहे जगदीप धनखड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में वकालत की, जबकि अलवा के पास व्यापक विधायी अनुभव है। अलवा 4 बार राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं और केंद्र में संपर्क के शासनकाल में वह उत्तराखंड और राजस्थान की राज्यपाल रहीं। वहीं राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकारों में वह मंत्री भी रही थीं। धनखड़ अल्पकालिक चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रहे थे। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में आने के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहे थे, क्योंकि धनखड़ अक्सर कानून व्यवस्था सही नहीं होने का मुद्दा उठाया करते थे, जिसके चलते उन पर राज्य सरकार की ओर से पलटवार किया जाता था। धनखड़ अगर निर्वाचित होते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन का संचालन करेंगे। हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजस्थान के निवासी हैं, तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का संचालन राजस्थान के मूल निवासी ओम बिरला और जगदीप धनखड़ करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।